होते होते एक दिन पूरा केस व्हाइट हो जाता। भोजपुरी में लोग कहते हैं कि उसका केस, उसका सब केस तो सन्न हो गया है। सन्न हो गया तो सन एक घास है, पटुआ के जाति का है, बिल्कुल उजला हो जाता है पीटने पर। एक दिन तो केस ऐसा हो जाएगा, दांत टूट जाएंगे, घुटने से चला नहीं जाएगा। परंतु इन रोगों के बाद भी व्यक्ति की इतनी बुद्धिहीनता है, वो अपना वर्णन जब करता है तो अजीब ढंग से करता है। कई बार लोगों से पाला पड़ता है, मिलते हैं हम लोग तो कहते हैं डॉक्टर कहा कि कोई रोग नहीं है, चेकअप कराया, क्या क्या चेकअप कराया, लेकिन कहा कि कोई रोग नहीं है, यही एक घुटना में दर्द है। घुटना में ही दर्द है, कौन सा शरीर है जिसमें रोग नहीं है। इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, उनसे पूछिए सबसे, दांत में रोग है, आंत में रोग है, कान में रोग है, नाक में रोग है, आंख में रोग है, ब्लड के सर्कुलेशन में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि मल मूत्र के सर्कुलेशन में भी उनको बाहर करने में भी दिक्कत होती है। सारा तो रोग से भरा हुआ है। इस बात को जानता है व्यक्ति, क्योंकि वही सबसे बड़ा ज्ञाता है कि हमको क्या रोग है, क्या दुख तकलीफ है, लेकिन बस वाणी से कह देता है, नहीं डॉक्टर तो बताया कि आप तो बिल्कुल ठीक है, कोई रोग नहीं है। तो रोग नहीं है तो पड़े क्यों हो, पूछा जाए, जो रोग है ही नहीं तो पड़े क्यों हो। किन श्री भगवान का ऐसा शरीर नहीं है। क्या सुने हैं कि किसी दिन भगवान श्री कृष्ण हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उनका ऑपरेशन किया गया, कभी ऐसा नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे 100 वर्ष के थे प्रकट लीला में, लेकिन 16 वर्ष के लड़के के समान बिल्कुल सुंदर और स्वस्थ थे। बुढ़ापा उनको छू नहीं सकती। वे प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर, 129 वर्ष रहे और देवताओं की प्रार्थना से भगवान चले गए। फिर देवता लोग प्रार्थना किए कि अब धर्म की स्थापना हो गई, देवताओं का दुख मिट गया, सब जीव सुखी हो गए हैं, और ये प्रभु यदि आप चाहें तो आप अब अपने धाम जा सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, गोलोक जा सकते हैं। पर एक प्रार्थना है कि जब आप अपने धाम में जाइएगा तो हमारे घर भी आ करके जाइएगा, हमारे घर होते हुए जाइएगा। तो भगवान जब गए वैकुंठ तो अपने को बहुत रूपों में करके और सभी देवताओं के घर गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास, कैलाश भी गए, इंद्र के घर में गए, वरुण के घर में गए, सब जगह होते हुए गए। उनका आना कितना विलक्षण है। तो मैं ये कह रहा था कि दुष्ट लोग तो ये भी नहीं चाहते हैं कि भगवान अवतार लें, उनके आने में अवरोध डालते, लेकिन भगवान आ ही जाते हैं। जब कंस 8वें गर्भ के जन्म की बात सुना तो उसके मुख से यह निकला, वो थोड़ा थोड़ा लेटा था, सोया नहीं था, और पहरेदार आकर के कहे स्वामी स्वामी 8वां बच्चा जन्म ले लिया। वो बच्चा नहीं था, बच्ची थी, बच्चा तो चला गया गोकुल। और वो लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत जल्दी में हैं, हम बहुत जल्दी सूचना देने वाले हैं। कंस ने इनाम रखा था कि जो पहली सूचना देगा 8वें पुत्र के जन्म की, उसको 1,00,000 रुपया दूंगा, सोने की मुहर। तो सब चले सूचना देने के लिए, और कितना लेट थे वे। वसुदेव जी चले गए जमुना पार करके, मथुरा पार करके गोकुल, अपने बेटा को रख दिए और जसोदा जी की बेटी को लाए, और वह भी इतना नाटक जानती थी लड़की, छोटी सी बच्ची थी, लेकिन वो कहीं नहीं रोई, कहीं रोई नहीं। जन्म के समय बच्चे रोते हैं, लेकिन वो एकदम चुपचाप आई, और श्री कृष्ण भी चुपचाप गए, बीच में कहीं रोए नहीं, नहीं तो वसुदेव जी को लोग पकड़ लेते कि ये कहाँ ले जा रहा है,
कोई नहीं देखा, भगवान चुपचाप चले गए और चुपचाप योग माया माता दुर्गा जी भी आ गई। जब किवाड़ बंद किया वसुदेव जी ने, सब कुछ ठीक किया, तब इसके बाद बच्ची रोना चालू की। जब रोना चालू की जन्म के समय की आवाज, तो सब जगे जगे और दौड़े सीधे कंस के पास, क्योंकि इनाम लेना था ना। तो बरसात हो रही थी, भादो का महीना था, गली में कुछ कीचड़ था, कई जगह फिसले, ठोकर लगा, पाए सिर भी लगा दीवार में, लेकिन इनाम लेने की इतनी होड़ थी कि गए और जाते जाते बोले स्वामी स्वामी, तो उठ करके बैठ गया। आठवां बालक जन्म ले लिया तो उसके मुख से निकला कालो अयम, अरे मेरा काल जन्म ले लिया है, यही पहला शब्द निकला। इतना प्रयास किया था कि विष्णु जन्म न ले, उसकी माँ मर जाए, लेकिन विष्णु के बाप ने बचा लिया, वसुदेव जी बचा लिए, विष्णु के बाप हैं ही ना। इसके बाद कंस आया, देखा कि बच्चा नहीं है, बच्ची, देवकी के गिड़गिड़ाने पर भी उसने बच्ची को मारना चाहा। तो इस प्रकार भगवान से लोग विरोध करते हैं, राक्षस दैत्य दुष्ट लोग सोचते हैं भगवान न आवे, क्योंकि भगवान का आना उन लोगों के लिए बहुत खतरे की बात है। भगवान जब यहाँ आते हैं तो छांट छांट करके जो बदमाश हैं, दुष्ट हैं, खूंखार हैं, हत्यारे हैं, आतंकवादी हैं, उनको सबसे पहले ख़त्म करते हैं और पता लगा लगा करके कहाँ कहाँ कौन है, और उनके कुरफातों से जनता को बचाते हैं, ठीक करते हैं। बताइए ऐसा राजा जो अपने बहन के पुत्रों को मारता जाए, जन्म लेते हैं, इसको जीने का क्या अधिकार था? जब बहन के पुत्रों के प्रति वो व्यवहार किया, अपने बहन जीजा को और बहन को कारागृह में बंद कर दिया, वो जनता को क्या करेगा? जो अपने संबंधियों को भी इतना दुख दे रहा था, तो कितना दुख जनता को दे रहा था। लेकिन भगवान आए जनता को सुखी करने के लिए और कंस का वध किए, कंस के लोगों का वध किए। उसके जो लोग थे, मंत्री थे, वे सभी राक्षस थे, हत्यारे थे, हिंसा विहारा, हिंसा ही उनके लिए विहार था। किसी की हत्या करने में ही आनंद था। जैसे आजकल आतंकवादी कहीं आग लगा देते हैं, कहीं बम विस्फोट करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, उनका आनंद इसी में है कि लोग छटपटाए, भागे, जले, मरे, हॉस्पिटल में जाए, ये जाए, ये देख करके वो सुखी होते। पर ऐसे लोगों पर बस नहीं चल रही है, जनता का बस नहीं चल रहा है, कुछ कर नहीं पाते। परंतु जब भगवान आते हैं, कौन ऐसा है जिसको वे ठीक नहीं कर देते? सभी भगवान श्री कृष्ण तो सबसे पहले वे सरकारी आदमियों को, राजाओं का वध किए। देखिए उनके ये मारने की लीला देखिए, तो ये राजा, ये राजा, ये राजा मारे गए, राजा के सब आदमी मारे गए, क्योंकि सारा कुरफाते सरकारी आदमी करते हैं, सारा पाप यही करते हैं, गोबध कराते हैं, ये व्यभिचार को प्रश्रय देते हैं, मांसाहार को, शराब को, जितना गलत काम है सब सरकार के लोग करते हैं, सरकार कराते हैं। तो जिसके हाथ में सत्ता है तो उस व्यक्ति को कौन दबा सकता है? सारा मिलिट्री का पावर, सारा पुलिस का पावर, सब कुछ उसके हाथ में होता है। लेकिन भगवान के सामने मिलिट्री और पुलिस क्या करेगा? यही मिशन लेकर के आते हैं, पहले से पता लगा लेते हैं कि कौन कौन जीने लायक नहीं, तो उनको मार मार करके अपने धाम में भेज देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, जिसको मारते हैं और किसी किसी को मारते हैं और किसी किसी को तारते हैं,
तो तारने में और मारने में भेद नहीं है भगवान की, यही जन्म कर्म दिव्य है। जिसको अपने हाथ से मारते हैं तो उसको अपने धाम में भेज देते हैं, भगवान का दिव्य धाम है, परम सुखमय। यहाँ रह करके उपद्रव करता है तो यहाँ रहने लायक नहीं है, ऐसे जगह भेजते हैं जहाँ उपद्रव होता ही नहीं है, चिन्मय शरीर मिलता है, धाम में देते। हतारी गतिदायक, कृष्ण को कहा गया है अपने मारे हुए शत्रुओं को सदगति देते हैं, ये भगवान का गुण है, विशेषता है। तो भगवान आते हैं इस जगत में पूर्ण योजना के साथ, प्लान के साथ, और उसे पूरा कर देते हैं। देवता लोग स्वयं आकर के भगवान कृष्ण से बोले द्वारका में कि अब आपका कार्य पूरा हो गया, प्रभास में आए थे, नहीं द्वारका में आए थे, द्वारका में आए, और देवता लोग बोले, उसमें ब्रह्मा जी भगवान शिव मुख्य थे, लोग सीधा कहते हैं कि अब देवताओं का कार्य हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, यदि आप चाहें तो अब अपने धाम जा सकते हैं। इस तरह से बुलाए भी थे भगवान को, क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान से प्रार्थना किए, और इसके बाद कह भी रहे हैं, जाने के लिए स्वागत के लिए उपस्थित हुए थे देवता लोग, सभी देवता द्वारका में आए थे। तो भगवान एक निश्चित प्रयोजन के लिए आते हैं और उसे निर्विघ्न पूरा कर देते हैं। जैसे भगवान श्री राम के रूप में आए थे तो सबसे बड़ा बलवान दुष्ट रावण था, उसका वध किया। रावण ऐसा था जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलित। सहस्र बाहु एक जादव था, मथुरा में रहता था, नहीं माहिष्मतिपुर जबलपुर रहता था, बहुत बलवान था, 1000 भुजा उसे मिली थी और भगवान दत्तात्रेय नहीं दिया था, भगवान नहीं दिया था, और भगवान ही उसकी भुजाओं को कुल्हाड़ी से काट कर ख़त्म कर दी। दत्तात्रेय भगवान ने भुजा दिया था 1000, वो एक बार में 500 धनुष पर बाण रखकर चलाता था, 500 धनुष दो दो भुजा से, उन भुजाओं को भगवान परशुराम ने काट दिया। भगवान की अजीब शक्ति है, सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। लक्ष्मण जी को देख खा कर कह रहे, अभी तो तुम राजा के पुत्र हो, अभी कोमल उम्र है, मारूंगा भज से लौका की तरह, बस काट जाओगे। दिखा रहे थे कल, चला नहीं रहे थे। लक्ष्मण जी कहे कि बार बार टांगी दिखाते हैं, इसका मुझे भय नहीं है, मैं इसीलिए आपको छोड़ रहा हूँ कि मैं देखा कि ब्राह्मण हैं, जनेऊ देख लिया, और हम राजपूत लोग ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाते। इसीलिए मैं भी छोड़ दिया कि बेचारा ब्राह्मण है, भले क्रोधी है, ये है। परशुराम जी का भी अपमान कर रहे थे, और भी थोड़ी और मारे तब मारे कर रहे थे, लेकिन बहुत क्रोध में थे। लेकिन जैसा मैं कहा था कि आज दया दुख दूसरा सहावा, परशुराम जी कह रहे हैं कि दया ने हमको आज बहुत दुख सहवा दिया, दया के कारण नहीं मार रहा। परशुराम जी कहे कि भगवान लक्ष्मण जी कहे कि जब दया होने पर आपको इतना कांप रहे हैं, क्रोध से लाल लाल दया से ये दशा है, तो क्रोध आ जाएगा तो आप तो जल कर भस्म ही हो जाएंगे। दया से ये मुद्रा है, तो क्रोध होने पर क्या होना। तो भगवान ने काट दिया सहस्र बाहु को, हो जाता है। रावण और सहस्र बाहु के विषय में कहा गया है
इसके 10 बदन थे रावण के, 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी, लेकिन सहस्रबाहु अर्जुन के पास मस्तक तो एक ही था पर 1000 बाह। रावण चलता था इतना जोर आजमाता रहता था, चलत दशानन डोलत धरनी, दशानन के चलने पर पृथ्वी डोलती थी और भुजा में खुजली हो रही थी, खुजली का मतलब किसी से लड़ने की इच्छा हो रही थी, 10 भुजा। तो कभी कभी एक्सरसाइज करता था, कोई वजन उठाता था, कभी कभी पहाड़ उठा लेता था, चलते चलते पहाड़ को यहां से उठाकर यहां फेंक देना, रावण पहाड़ उठाता था और उसी नियम के अनुसार वो जा करके एक बार कैलाश उठा लिया और भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानता था, शिव जी और पार्वती जी को झूला जैसा झूलाने लगा, इतनी शक्ति थी। भगवान खुश हुए, भगवान शिव जी खुश हुए, आज झूला जैसा झूला रहा है, 10 भुजाओं पर ले करके से कैलाश उठा ली। अपने से वर्णन किया है रामचरितमानस में, अंगद जी से बोल रहा है, अंगद जी से अपने पराक्रम की बात कर रहा है, बहस बांध रहा है, तो कहता है तुम जानते हो मैं कौन हूं। अंगद जी ने कहा कि आपसे कब परिचय जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं, कौन रावण हैं। एक ही रावण के विषय में तीन तीन उसके कर्म बता रहे हैं। एक रावण ने सुना कि बलि महाराज को जीतने गया था, सुतल लोक गया था, तो जाने पर वहाँ द्वारपाल भगवान विष्णु थे, तो उन्होंने देखा कि कौन कीड़ा 10 सिर वाला आ गया, तो मारा तो फुटबॉल की तरह वो बहुत दूर चला गया। एक तो रावण ये है, और एक रावण बाली से मेरे पिताजी से युद्ध करने गया किष्किंधा, हमारे पिताजी उस समय संध्या कर रहे थे, ये कहा कि मैं लड़ना चाहता हूँ, सुना हूँ कि तुम बहुत बलवान हो, मेरे साथ युद्ध करो, ये करो वो करो। तो बाली उसको अब संध्या पूरी करनी थी, जप करना था, तो उसको कांख में दबा करके बैठ गए, इसी रावण को कांख में दबाए थे, कांख में दबा करके बैठ गया बेचारा चुपचाप करा, अब क्या एक बानर दबा लिया अपने कांख में। और तीसरा रावण मैं सुना हूँ, अंगद जी कहते हैं एक रावण था सहस्रबाहु से युद्ध करने गया, तो वहां पर कुछ लड़कों ने पकड़ लिया उसको और उसके 10 मस्तक पर 10 दीपक जलाए, कहा खड़ा रहो, हो सकता है दिवाली का दिन रहा हो, स्त्री या पुरुष के रूप में कुछ दीपक सजाने के लिए स्तंभ बनाए रहते हैं, उस दिन पकड़ कर खड़ा रहो, एकदम निष्पंद खड़ा रहा और 10 मस्तक पर 10 दीपक जलाए थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये तीनों रावण में आप कौन हैं। अरे बानर, रावण कहता अरे बानर सुनो, मैं वो रावण हूं जिसके पराक्रम को भगवान शिव जानते हैं, मैं कैलाश को उठाया था, कैलाश को उठाया था, ये मेरी वीरता है, बाह दिखा कर करा, इन्हीं बाहों से उठाया था। तो तुम्हारे दल में कौन बलवान है, तुम्हारा जो स्वामी है तपस्वी सन्यासी बन करके आया है, तो इतना गुणवान था, इतना अच्छा था, तो बाप नहीं केवल निकाल दिया घर से, इसको बताओ, कोई बाप किसी अपने बेटा को वनवास देगा, इससे सिद्ध होता है कि वो थर्ड क्लास का व्यक्ति है आदमी, कोई गुण नहीं था, अपने पिता को ही प्रसन्न नहीं कर पाया, तो उसके दुर्गुण को देख करके ही उसके पिता ने दशरथ ने उसको वनवास कर दिया, तो वो तो दुख और वन में आया, तो फिर वहाँ उसकी पत्नी चली गई, एक तो वनवास का दुख उसको दुख कर रहा था, राज छूटा, गाँव छूटा, अयोध्या छूटी,
ऐसे ही दुखी था, तब तक दूसरा दुख व्याप्त हो गया कि वाइफ को कोई ले गया, मैं ही लाया, वो उसको कहने का आशय, तो उस दुख में है। तो उसका भाई लक्ष्मण अब क्या लड़ेगा, वो तो भाई के दुख से वो भी रोता रहता है। तो तुम्हें बलवान कौन है? अपने से रावण कहता है, हाँ एक व्यक्ति बलवान है, एक हनुमान नाम का बानर आया था हमारे गांव में, लंका में, नगर में, वो लंका जला करके चला गया, एक बानर बलवान। तो सुग्रीव जी राजनीति से बोल रहे हैं, कौन बानर, आखिर नाम बताओ कौन बानर। नाम पूछने पर हनुमान बताया। अच्छा वो सुग्रीव जी का टहलू है, वो लंका जला गया। अरे उसको तो केवल सीता जी का खबर लेने के लिए भेजा था सुग्रीव जी ने, लंका जला दिया, सत्य बोल रहे हो, और तुम लोग कहाँ थे? रावण तो बिल्कुल सिर नीचे करके बैठ, कहाँ बता रहे, वो तो लंका में ही था। तब अंगद जी कहते हैं, अरे दुष्ट, तुम लोग यहाँ थे और सुग्रीव का छोटा सेवक, सो सुग्रीव के लघुधावन, सबसे कम शक्ति वाला बानर वही है, सबसे कम शक्ति वाला, और वो आकर के तुम्हारे राजधानी को जला गया। अरे तुम लोग क्या लड़ोगे, क्या सोच रहे हो, जिस दिन सभी बानर आ जाएंगे तब क्या होगा? भगवान ने कहा था कि उसको कुछ अपना बल दिखा करके आना है, दूत भेजे थे अंगद जी को। इस तरह से अंगद जी ये सब सत्य बात बोल रहे हैं। सत्य का मतलब यह है कि कंस रावण अभी भी समर्पण कर दे भगवान को, तो भगवान तो कृपा निधि हैं, वो माफ कर देंगे, अभी भी समर्पित कर दे। लेकिन रावण नहीं समझा, अंगद जी के समझाने पर भी, मंदोदरी के समझाने पर, लक्ष्मण जी चिट्ठी भी भेजे थे, नहीं समझा। नहीं समझा इसलिए कि मरणासन्न था, काल निकट आ गया था, इसलिए उसको समझने नहीं दे रहा। मंत्री लोग बोल रहे थे, समझा रहे थे, मंत्री वचन सुहाई न कैसे, काल विवश कहूं भेषज जैसे। जैसे कोई मरने वाला व्यक्ति होता है, काल आ गया है तो उसको दवाई अच्छी नहीं लगती, भेषज दवाई अच्छी नहीं लगती, दवा खाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन काल विवश रहता है, काल के वश में, तो दवा भी अच्छी नहीं लगती। रावण को किसी की बात पसंद नहीं थी, भाई था वो समझा रहा था कि सीता परिस्त्री है, उस पर मत देखिए, उसको लौटा दीजिए, लेकिन उनको लात से मारा। तुम बहुत समझाने वाले हो गए, लात से मारा, ऐसी नीति है तो जाकर के उसी को सिखाओ। राम शब्द नहीं बोलता था, तापस कहता था, उसी को जाकर के समझाओ। तब विभीषण जी भगवान की शरण में चले गए। तो रावण किसी की बात नहीं मानता था, लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। और जब भगवान ने समुद्र पर पुल बांध दिया, सेतु का निर्माण कर दिया, और किसी दूत ने खबर दिया कि अरे समुद्र पार कर गया, समुद्र पर पुल बांधा, तो समुद्र के 10 भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द रावण के मुख से निकले, बांधो वन निधि नीर निधि। इस तरह से वो कहता है, नीर निधि, जल निधि, पयो निधि, समुद्र सागर बांध दिया, 10 मुंह से 10 शब्द निकले सागर के लिए। एक मुंह से ही काफी था, लेकिन इतना भय था कि 200 मुख से निकला, सागर पर पुल बांध दिया और भिन्न भिन्न शब्द निकले। रामायण में है, बांधो वन निधि, वन माने जल होता है, बांधो वन निधि नील निधि, पता नहीं और कैसे कैसे है, 10 शब्द भगवान ने पुल बांधा।
बानरों को लगाया पहाड़ लाने के लिए, कहीं कोई मिस्त्री नहीं बुलाया कि इनको पे करके और ये बांध बनाया जाए, टेंडर नहीं दिया, स्वयं बांध लिया। समुद्र पर सेतु और 10 योजन मतलब 40 कोस चौड़ा और 100 कोस लंबा, नहीं एक 800 माइल लंबा पुल बनाया भगवान, कहीं पिलर नहीं था, कहीं खंभा नहीं। इतने पर भी रावण को भय नहीं हुआ, अंत में राम के साथ उसका युद्ध हुआ और मारा गया। उसके सारी भुजाएं कट करके लंका के मैदान में पड़ी थी और सिर भी। जब मर गया तो उसकी बहुत सी पत्नियां थीं, सब आई विलाप करते हुए, हाय हाय करते करते, और स्त्रियां कह रही हैं कि ते सिर भुज तब जम्बुक खाही राम विमुख अस अनुचित नाय। अपनी पत्नियां कह रही कि आपकी इतनी विशाल भुजाएं थीं और सिर थे, आप बैठते थे सभा में, ये काम किए वो काम किए, लेकिन आज उसी